अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 11 ऑफ कंप्यूटर साइंस। टुडे द डेट इज जनवरी 11, 2021 एंड द डे इज मंडे। आवर यूनिट नंबर इज यूनिट नंबर 8 एंड टॉपिक एडिटिंग इन एमएस एक्सेल 2010। एडिटिंग हम एमएस एक्सेल में किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग अपनी इस यूनिट में रीड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रीड आउट किया था कि हम लोग जो एंटायर रो है या एंटायर कॉलम है या एंटायर शीट है उसको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग रीड आउट करेंगे कि हम लोग एंटायर रो जो है उसको किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू जो ब्लैंक एंटायर रो है उसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी शीट में। टू इंसर्ट एंटायर रो फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक द रो हेडर टू सिलेक्ट रो। क्लिक होम टैब ऑन द रिबन। क्लिक इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन इन सेल्स ग्रुप एंड क्लिक इंसर्ट शीट रोज। ठीक है, आपने सबसे पहले जो रो ऐड करनी है उसका आपने हेडर जो है उस पर क्लिक करना है। देन आपने होम टैब पे क्लिक करना है। वहाँ से आपने इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसे ओपन करना है और वहाँ से आपने इंसर्ट शीट रो। ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपके पास एक एंटायर ब्लैंक जो रो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है। अब मैंने ये देखें ए बी सी और डी का मेरे पास डाटा नहीं है, उसका ऐड मैंने नहीं किया। अब मैं क्या करूँगी, उसको ऐड करने के लिए मुझे एक फुल एंटायर रो जो है वो चाहिए ताकि मैं उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास और मार्क्स सब कुछ लिख सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये देखें यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जहाँ आपने इंसर्ट करनी है रो वहाँ पर आपने उस रो हेडर को सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ से मैंने किया। फिर ये होम टैब, होम टैब पर क्लिक करना है आपने। और ये देखें यहाँ पर रिबन में आपको नज़र आएगा इंसर्ट, आपने इंसर्ट पे और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका ओपन हुआ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट शीट रोज। जब आप इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो एंटायर ब्लैंक जो है वो ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो एंटायर रो जो है वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने उस स्टूडेंट का जिसका डाटा रह गया था उसको ऐड किया है। ये देखें इस तरह से अब ये मैं उसका सारा जितना भी डाटा है वो इस तरह से ऐड अप कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ विल यू इंसर्ट एंटायर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ विल यू इंसर्ट एंटायर कॉलम। आप एंटायर कॉलम किस तरह से ऐड कर सकते हो। टू इंसर्ट एंटायर कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक द कॉलम टू सिलेक्ट रो। क्लिक होम टैब ऑन द रिबन। क्लिक इंसर्ट टैब ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल्स ग्रुप। क्लिक इंसर्ट शीट कॉलम। उसी तरह से आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉलम हेडर जो है उसको सिलेक्ट करोगे, देन होम टैब पे क्लिक करोगे, देन इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करोगे, देन आपके पास आएगा ऑप्शन इंसर्ट शीट कॉलम और उसको आप क्लिक करके न्यू कॉलम जो है वो ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, ये देखें आप जिस तरह मेरे पास था ये रोल नंबर, नेम और क्लास और मार्क्स। अब मैं चाह रही हूँ कि जो फादर नेम है इनका वो भी ऐड कर सकें, तो क्या करूँगी मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, यहाँ पर इंसर्ट होम टैब में आपने जाना है। होम टैब से आपने ये देखें इंसर्ट पे क्लिक करना है और आपके पास ये आएगा इंसर्ट शीट कॉलम। ठीक है, आपने इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना है तो आपके पास ये देखें फुल कॉलम जो है वो ब्लैंक कॉलम जो है वो आपके पास ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, फादर फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट्स के, अब सब स्टूडेंट्स के फादर का नेम भी ऐड कर सकती हूँ। इस तरह से जो हम लोग एंटायर रो और एंटायर कॉलम को ऐड कर सकते हैं अपनी शीट में। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस रीड आउट किए हैं, एंटायर रो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपने रो हेडर पर क्लिक करना है, देन होम टैब, होम टैब से आपने इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना है और वहाँ से आपने इंसर्ट शीट रोज। ठीक है, इसी तरह आपने इंसर्ट एंटायर कॉलम किस तरह से ऐड करना है। एंटायर कॉलम के लिए आपने वही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपने कॉलम नेम को सिलेक्ट करना है, देन आपने होम टैब रिबन ओपन करना है, देन इंसर्ट से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और आपने वहां पर इंसर्ट शीट कॉलम ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है एंटायर ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम जो है वो ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।